गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको CDP का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर PDF एंड मोर इन्फॉर्मेशन। वैक्सीन की वजह से बुखार आ गया था, उस वजह से कई दिन तक वीडियो नहीं आ पाई, तो आज से फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और एक काम क्या करूँगा, आज से ना पहले मैं आंसर नहीं बताया करूँगा, पहले मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दिया करूँगा, तब तक आप लोग अपना आंसर इसमें से ढूंढ लिया करो, ठीक है। पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा, तब तक आप आंसर ढूंढ लेना, फिर मैं बता दूंगा। देखो, एस आर सिद्धांत की बात किसने करी है, थॉर्नडाइक ने करी है, ठीक है। आर एस की पूछे तो वो स्किनर ने करी है, ठीक है। एस ओ आर सबसे पहले किसने दिया था, वुडवर्थ ने दिया था, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। और एस ओ आर ऐसे याद करो, सॉरी, एस ओ आर को याद कर लो, सॉरी। अगर कोई सॉरी बोल रहा है तो अच्छा बंदा है ना, अच्छा मतलब गुड, मतलब गुड। मगर इसकी प्रक्रिया का उल्लेख किसने किया, तो वो किया क्लार्क हल ने। क्लार्क हल ने क्या दिया था, प्रबलन का सिद्धांत दिया था, ठीक है, याद रखना। कुर्ट लेविन कौन है, क्षेत्र सिद्धांत दिया कुर्ट लेविन ने, ठीक है। बी बराबर FP × E, ये भी दिया है, आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखो, कार्यों को सहायता सहित एवं सहायता के बिना करने वाले अंतर को क्या कहते हैं। देखो, बायगोत्स्की को आपको पता होगा, सोशियो कल्चरल थ्योरी दी थी, ठीक है, ये याद होगा आपको। और इन्होंने क्या दिया था, रेसिप्रोकल टीचिंग का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। और ये इनके बारे में क्या याद है आपको, इन्होंने इसके फोल्डिंग टर्म को यूज किया था, इसका दिया किसने था, ब्रूनर ने। इन्होंने ये दिया था एक ZPD, तो वही आंसर है इसका, आंसर क्या हो जाएगा, ZPD, ठीक है, याद रखना। और एक चीज़ याद रख सकते हो, इनके चार स्टेप और इन्होंने बताए, कौन कौन से बताएं बताओ, इन्होंने बताए क्वेश्चनिंग, क्लेरिफाइंग, समराइजिंग, प्रिडिक्टिंग, ठीक है, चार स्टेप हैं इनके, ठीक है, आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, देखो ये असिस्टेंट कमांडेंट ने पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका कि वन सेकेंड, क्रिया प्रसूत के व्यवहार में परिमार्जन किसके अंतर्गत आता है। क्रिया प्रसूत किसने दिया है, स्किनर ने दिया, चैनिंग, शेपिंग, इसके कॉन्सेप्ट नहीं है। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग है, प्रोग्राम लर्निंग, ये सब कहें तो ये भी इसी का है। चूहे पे और कबूतर पे प्रयोग किया इन्होंने, ठीक है, याद रखना। तो इन्होंने एक तो संकेत पुनर्बलन की बात की है और इन्होंने विराम काल के बारे में बताया, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक और तीन, आंसर क्या हो जाएगा आपका, एक एंड तीन, ठीक है, आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है, सूचना दीर्घकालिक संक्रमण में निम्न के माध्यम से प्रवेश करती है। देखो, एक होती है अल्पकालिक स्मृति, अल्पकालिक कैसी होती है, 30 सेकंड तक की, तुरंत याद होता है इसमें, ठीक है। अब कोई दीर्घकालिक में कोई चीज़ जाती है ना, तो वो किससे जाती है, अभ्यास से जाती है, तो विशद अभ्यास होगा, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, लर्निंग क्या होती है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर होती है, ठीक है। नेक्स्ट, गिलफोर्ड ने 3D मॉडल दिया था, ये आपको याद होगा। और इन्होंने कितने, 180 घटक बताए थे, 6×5×6 इस तरीके से, ठीक है। तो इन्होंने दिया था संक्रिया और संगठक, उत्पाद, ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट, ठीक है, ये इंग्लिश में इनके, याद रखना ये, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है, इसमें से किसने शिशुओं की खोज में सर्चिंग संवेदी पेशी कौशल का विकसित किया है। देखो, सर्चिंग का मतलब पता है क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंस वाली बात हो रही है, तो ये हो जाएगा ए। ये कब आती है, 18 से लेके 24 महीने के बीच, ये कौन सी अवस्था है, पहली अवस्था है। पहली अवस्था कौन सी होती है, इंद्रियजनित नामक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था, ठीक है, इस तरीके से याद रख लेना। और ये भी याद रख सकते हो, सेंसरी मोटर स्टेज, प्याजे की स्टेज है ना ये सब, ठीक है, याद रखना। टेलीग्राफिक स्पीच भी ना इसी में आती है, 18 से 24 महीने में, आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट, जब कोई छात्र किसी पाठ या कार्य को मात्र इस उद्देश्य से सीखता है कि उसे क्या पुरस्कार मिलेगा। पुरस्कार कैसा होता है, बाहरी होता है। कभी भी कोई आदमी कुछ चीज़ पाने के लिए कर रहा हो ना, जैसे उसे सम्मान पाने के लिए कर रहा हो, टॉफी के लिए कर रहा हो, खाने के लिए कर रहा हो, वो सब बाह्य प्रेरणा होती है। और सबसे अच्छी कौन सी होती है, इंट्रेंसिक मोटिवेशन, ठीक है। नेक्स्ट, व्यक्ति की आदत किसका उदाहरण है, आदत किस में आती है, आदत आती है प्रोसीजर में, किस में आती है, प्रोसीजर में, ठीक है, याद रखना। एपिसोडिक क्या होती है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपके मतलब कोई भी एक ऐसा मूवमेंट जो आपको हमेशा याद रहता हो, आपकी लाइफ का कोई एक आधा ऐसा पल होगा ना, वो सब एपिसोडिक मेमोरी में आते हैं, ठीक है। प्रोसीजर कैसे, जैसे कि आप अचेतन मन में काम करती हैं, जैसे आपने साइकिल ली और साइकिल पर ऑटोमेटिकली पैडल से स्टार्ट कर दिया चलाना, ब्रेक अपने आप मार ली, तो बचपन में तो आप नहीं करते थे ऐसे, मगर अब क्या हो गई, आदत पड़ गई, तो ये प्रोसीजर मेमोरी में चला जाता है। नेक्स्ट,
तो बाल बोध परीक्षण CAT लियोपोल्ड बेलाक ने किया था, ठीक है। 10 चित्र थे, किसके थे, जानवर के, 3 से 10 वर्ष के बच्चों में किए थे। एक है TAT मॉर्गन एंड मुरे ने किया था 14+ वर्ष के बच्चों के लिए, याद रखना, ठीक है। और क्या बता सकता हूँ, हाँ, इंक ब्लॉक टेस्ट ये हरमन रोरसा ने किया था, ठीक है, ये याद रखना। 31 कार्ड होते हैं इसमें, ये भी याद रखना। 10 पे महिला के, 10 पे पुरुष के, 10 पे दोनों के चित्र होते हैं और एक खाली होता है जिस पर खुद को लिखना होता है, ठीक है। और ये सब क्या है, ये सब है प्रक्षेपी परीक्षण है, मतलब आपके मन में छिपी हुई बात बाहर आ जाती है। इससे आंसर होगा बी। नेक्स्ट, देखो प्रक्षेपण शब्द का सबसे पहले परिचय किसने कराया, किसकी बात कह रहे हैं, प्रक्षेपण की, ठीक है, प्रक्षेपण की बात कही थी फ्राइड ने, किसने, सिगमंड फ्राइड ने। थॉर्नडाइक ने देखो सीखने के मुख्य नियम दिए कितने, 3, तत्परता अभ्यास प्रभाव, कब दिए थे, 1898 में। एनिमल इंटेलिजेंस नाम की इनकी एक पुस्तक है, बुद्धि बताइए 3 प्रकार की, कौन कौन सी, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक, ठीक है, इतना याद रखना। CABD टेस्ट भी दिया इन्होंने, बालू का सिद्धांत या बहुखंड सिद्धांत भी इनका है, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। फ्रेड ने क्या दिया है, मनोविश्लेषण सिद्धांत और मनोलैंगिक सिद्धांत, साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, ये किताब है इनकी। नेक्स्ट, अभिक्रमित अनुदेशन किस पर आधारित होता है, तो ये आधारित है स्किनर पर, स्किनर ने तो बात कही थी इसकी। थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम को एक चीज़ याद रखना, ये पूछता है स्किनर का सिद्धांत थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है, तो वो प्रभाव पे नियम पर आधारित है। प्रभाव के नियम को क्या कहते हैं बताओ, सुख दुख या संतोष असंतोष का नियम, ठीक है, याद रखना। मैस्लो क्या है, मैस्लो और कार्ल रोजर्स मानवतावादी हैं, ठीक है। मैस्लो ने कितने प्रकार की मांग बताई, 5, सबसे आखिरी में क्या आती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आंसर होगा बी। नेक्स्ट, अभिक्रमित अधिगम सामग्री में क्या शामिल होता है बताओ, इसमें एक क्रमिक श्रृंखला होती है, क्या होती है, क्रमिक श्रृंखला, और ये किसके द्वारा दी गई, स्किनर, स्किनर की किताब का नाम क्या है, बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, याद रखो। नेक्स्ट, देखो बहिर्दर्शन पद्धति में किसके व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है, तो दूसरों का। बहिर्दर्शन विधि किसने दी थी, वॉटसन ने। एक अंतर्दर्शन और है, ये भी याद रखो, ये किसने दी थी, बुंट ने। बुंट ने क्या करा था 1879 में, लिप्जिंग जर्मनी में लैब खोली थी। बुंट का ये एक शिष्य कौन है, टिचनर। संरचनावाद पे ध्यान देते हैं, ठीक है, याद रखना, चेतना पे, आंसर होगा बी। नेक्स्ट, विकास कभी नहीं रुकता, ये कंटिन्यू चलता रहता है, तो निरंतर चलता है, ठीक है, आंसर क्या होगा, 4। और विकास कैसे चलता है बताओ, सामान्य से विशिष्ट, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलोगे बताओ इसे, जर्नल से स्पेसिफिक, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पावलव के प्रयोग में ये पूछा है, न्यूट्रल स्टिमुलस कौन सा था, तो वो तो घंटी थी, घंटी के बजने पर कोई असर थोड़ा आता शुरुआत में। और भोजन क्या था बताओ, ये अच्छा देखो, एक तो न्यूट्रल स्टिमुलस था और एक था ऑटोमेटिकली जो शुरुआत से ही होता है, ठीक है, तो वो भोजन था। पावलव का प्रयोग जो है, इसमें इन्हें नोबल पुरस्कार मिला था 1904 में, ठीक है, याद रखना। पैरोटिड ग्लैंड पर प्रयोग किया था, होपमैन मशीन पर दर्शाया था, ये याद रखना। उद्दीपक सामान्यीकरण हो जाता है इनके में, और अनुक्रिया सामान्यीकरण किस में होता है, स्किनर के में, ये याद रखना, ठीक है। और क्या याद रख सकते हो, लिएंडर एंडरसन ने इनके प्रयोग को शिक्षा में यूज किया था, शिक्षा के जगत में, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, कुछ लोग नए लोगों के साथ आसानी से समायोजित हो जाते हैं क्योंकि उनमें क्या होता है, सांवेगिक बुद्धि बहुत होती है। इसकी बात किसने करी है, इसकी बात करिए टॉलमैन ने, नहीं रुको, संवेगात्मक बुद्धि की बात किसने करी है, इमोशनल इंटेलिजेंस किताब किसकी है, इमोशनल इंटेलिजेंस बताओ, सबसे पहले इमोशंस की बात कही थी साल्वे और मेयर ने, ठीक है। अब ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस जिसने दिया है, उन्होंने ही दिया है ये EQ का कॉन्सेप्ट, ठीक है, इतना याद रख लें। IQ का फॉर्मूला क्या है, IQ का फॉर्मूला है MA/CA/100, ठीक है, याद रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका संवेगात्मक बुद्धि, अभी दिमाग में से निकल रहा है संवेगात्मक बुद्धि किसने दिया है, कभी कभी हो जाता है, ठीक है, बताना आप लोग किसने दिया है। और उन्होंने पांच चीज़ें और बताई हैं, वो भी बताना। नेक्स्ट, व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि कौन सी, प्रत्यक्ष मतलब होती है सामने से बाधा हटा दो, जैसे अभी आप ना तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्ज़ाम की, वो एग्ज़ाम को क्रैक कर दो तो क्या हो जाएगा, बाधा का निराकरण हो जाएगा। और ये बाकी कैसी हैं, ये और ये हैं कैसी, अप्रत्यक्ष विधि, ठीक है, याद रखना, आंसर होगा सी। नेक्स्ट, देखो शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता करती है, किस में सहायता करती है बताओ, ये सभी चीज़ों में, बालकों की विकास की विशेषताओं को समझने में, समस्याओं को, भिन्नताओं को, सभी को, आंसर होगा डी। किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, देखो शिक्षा में 2 आ रहे हैं वर्ण, इसमें भी 2 आ रहे हैं, पील कर दो आंसर। अनुदैर्ध्य उपागम एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल,
पर्यवेक्षण, हॉरिजॉन्टल में एक ही उम्र एक ही टाइप के बच्चों पर ही प्रयोग करे जाते हैं आखिरी तक, वर्टिकल में अलग अलग एज के, तो इसमें निश्चित होती है संख्या, ठीक है याद रखना। एक बालक अधिक सीखता है, कब सीखता है उसे, चाहे उसे क्रिया विधि से पढ़ाया जाए, करके सिखाया जाए, अधिगम के लिए क्या आवश्यक है बताओ, अधिगम के लिए सब कुछ आवश्यक है, स्वक्रिया, चिंतन, अनुभव। कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है, अंश से पूर्ण थोड़ी ना होता, पूर्ण से अंश होता है, किसने दिया था, गेस्टाल्टवादियों ने, किसने, गेस्टाल्टवाद, इसी में क्या आता है, आहा मूवमेंट आता है, ठीक है। और इसके प्रवर्तक कौन है, बर्दीमर है, प्रयोग किसने किया सबसे ज़्यादा, कोहलर ने की, इसकी ये किताब है मेंटेलिटी ऑफ एप्स, एक कोफका और है जिसने थ्योरी ऑफ गेस्टाल्टवाद लिखी है, 1912 में आया था गेस्टाल्टवाद, याद रखना जर्मनी से रिलेटेड है। आंसर होगा क्या, सी। नेक्स्ट, अब देखो इसमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, विकास ना एक चीज़ याद रखना, विशेष से सामान्य नहीं चलता, सामान्य से विशेष चलता है, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। निरंतर चलता है, समन्वय करता है ये सारे हाथ पैरों में, समन्वय कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, बाल्यावस्था में होता है, ये पूछ सकता है आपसे कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, बाल्यावस्था में बच्चा कैसा होता है, बहिर्मुखी होता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है ये याद रखना, बहिर्मुखी कहाँ होता है बच्चा, बाल्यावस्था में होता है। नेक्स्ट, विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया, एरिक्सन ने दिया है, 8 अवस्थाएं बताई हैं, 1963 में दिया, इनकी किताब है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, सिस्टोनिक एंड डायस्टोनिक दो टर्म भी दिए इन्होंने, ठीक है याद रखना, लाइफ क्राइसिस टर्म इन्हीं से रिलेटेड। पंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी, बोर्डोल एक्सपेरिमेंट है इनका, ठीक है। फ्राइड ने मनोलैंगिक सिद्धांत दिया जिसमें 5 स्टेज बताई, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनिटल। एरोस और थानोटोस दो प्रवृत्तियाँ बताई हैं, एरोस होती है जीवन मूल प्रवृत्ति, थानोटोस होती है मृत्यु। कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, इसीलिए मोरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड ये किताब का नाम है इनकी, 6 स्टेज और लेवल 3 बताए इन्होंने, कैरोल गिलिगन ने क्रिटिसाइज किया इनको। नेक्स्ट, इसमें से कौन सी अवस्था संक्रमण की अवस्था कहलाते हैं, इसे किशोर अवस्था को कहते हैं, ठीक है। तनाव तूफान का काल भी कहते हैं इसे, ठीक है याद रखना। व्यवहारवाद के पिता कौन है, वॉटसन, और व्यवहार शब्द किसने दिया, मैकडूगल ने, ठीक है। मैकडूगल की ने चेतना को एक बुरा शब्द बताया, ये भी याद रखना। मैकडूगल की किताब का नाम क्या है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, ये याद रखना, आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है निर्मितवादी अधिगम के पक्षधर थे, निर्मितवादी के कौन थे, लेव वाइगोत्स्की, इन्होंने क्या दिया था, सोशियो, मतलब इन्होंने दिया था सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे ये। एक था रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, कौन था, प्याजे, और कौन है, ब्रूनर भी है कंस्ट्रक्टिविस्ट, ये भी याद रखना, आंसर क्या हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का प्रत्यय किसने दिया, आसवेल ने, 4 प्रकार का बताया था, अर्थपूर्ण रटकर समझकर खोजकर, ठीक है याद रखना, और आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा डी। जीन प्याजे कहाँ गए थे, स्विट्जरलैंड गए थे, 4 से 12 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किए थे याद रखना। चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, ये इनकी किताब का नाम है, ये याद रखना। रॉबर्ट गेने ने 8 प्रकार के सीखने के बताए, सबसे पहले क्या, सिग्नल लर्निंग, आखिरी में क्या, प्रॉब्लम लर्निंग, ठीक है याद रखना। ब्रूनर ने क्या, रेलिवेंस ऑफ एजुकेशन किताब का नाम है, और इन्होंने 3 तरीके से बताया, इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिम्बॉलिक, 3 तरीके से सीखते हैं, ठीक है। और स्पाइरल कैरिकुलम भी ब्रूनर ने दिया है। नेक्स्ट, अच्छा वो बता रहा था ना ऊपर संवेगात्मक बुद्धि, वो डैनियल गोलमैन का है, तो ये किससे रिलेटेड, संवेगात्मक बुद्धि से, कभी कभी दिमाग में से निकल जाती चीज़ें। प्रभावी शिक्षक कौन सा होता है, जो ध्यानपूर्वक अधिगम को सूचना दे, गलत, क्लास में नियंत्रण पड़े, गलत, अधिगम हेतु तो अभिप्रेरित कर सकता है, जो अभिप्रेरित मतलब मोटिवेट कर सकता है ना बच्चों को, वो सबसे अच्छा होता है, आंसर हो जाएगा सी। कौन सा युग्म सही है, देखो एक चीज़ याद है, अंतर्दृष्टि किसने दिया था, अंतर्दृष्टि तो उसका ये गेस्टाल्टवाद का, तो यहाँ बंडूरा नहीं आएगा, तो यहाँ ये अंतर्दृष्टि किससे आएगा, कोहलर से आएगा। अब अधिगम के प्रकार किसने बताए, गेने ने बताए, सामाजिक अधिगम बंडूरा, इधर उधर लिखा हुआ ये सब, कार्ल रोजर्स सही है इसमें भी, ठीक है समझ गए ना, नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लेना। प्रतिरक्षा प्रक्रिया क्या होती है, व्यक्तित्व का रक्षा कवच होती है, ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षण का प्रक्षा प्रतिमान ये कितने दिया, सचमैन ने दिया याद रखना। जॉन डी बी किससे, प्रैग्मेटिज्म से रिलेटेड है, ठीक है याद रखना। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन की किताब का नाम है, चिंतन 5 प्रकार बताएं, हाउ वी थिंक किताब है इनकी, ठीक है। और बच्चों के लिए क्या, प्रगतिशील शिक्षा के जनक भी यही है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका बी। सहयोगात्मक अधिगम का सद किसने दिया था, देखो सबसे पहले सहयोग आप किसका करते हो, अपने बेटे का करते हो, सन का करते हो, तो जॉनसन और स्मिथ, ऐसे याद रखो। निर्मितवाद के संदर्भ में कौन सा गलत है, तो निर्मितवाद ये नहीं कहता कि सूचना प्रसारित होती है, निर्मितवाद कहता है सूचना क्या, बच्चा खुद से जनरेट करता है, ऐसा नहीं कि टीचर दे देगा बस, आंसर होगा सी। समायोजन के कारक बताओ कौन से, तो 3 है, तनाव, दुश्चिंता, कुंठा, ठीक है। 5 कारक हैं समायोजन के, भग्नाशा या कुंठा कह सकते हो, तनाव, दुश्चिंता, दबाव, एक और है कोई रह गया।
निर्मितवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? शिक्षक कैसा होना चाहिए निर्मितवाद के अनुसार? शिक्षक होना चाहिए जो क्या करे बताओ, सरलीकृत करने वाले, चीज़ों को बता आसानी से, फैसिलिटेटर बोलते हैं इंग्लिश में इसे, ठीक है। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, बताइएगा कैसी लगी, कई दिन बाद वीडियो आई है, सपोर्ट कीजिएगा अपना, और बाकी कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अपना अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।